नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि इंदिरा IVF हॉस्पिटल में भागलपुर सेंटर में सेंटर हेड के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे प्रेगनेंसी ना लगने के बारे में और बार बार IVF के फेलियर के बारे में कुछ संक्षिप्त रूप से बात करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग हमारे पास IVF करवाने के लिए आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका एक बार नहीं बार बार IVF फेल हो चुका होता है। ये लोग मन से भी उतने ही हताश हो चुके होते हैं जितना कि फाइनेंशियली इनके ऊपर बोझ पड़ चुका है। कुछ ऐसे कारण हैं, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो IVF जिनका बार बार फेलियर हुआ है उनमें हम लोग सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत सारे मरीजों को शुगर, BP, थायराइड, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर ये चीज़ें कंट्रोल में रही जाएँ जिस वक्त IVF किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे सबसे ज़्यादा कॉमन या सबसे ज़्यादा मुख्य कारण बार बार IVF का फेलियर होना भ्रूण की कमज़ोरी माना जाता है। ऐसी सूरत में अगर आपके अपने अंडे या अपने शुक्राणु से ही भ्रूण का निर्माण किया गया है तो बेहतर होगा कि हम लोग आपका जेनेटिक टेस्ट या DNA टेस्ट करवाया जाए, जिसमें कि बच्चे में कोई ऐसी कोई बीमारी जो कि माता और पिता दोनों के मिलने से जेनेटिक रूप से बच्चे में नहीं पहुंच रही हो। अभी नई तकनीक के तौर पे हम बच्चे का भी या भ्रूण का भी जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं, इसको PGT-A बोलते हैं। अगर कोई नोन जानकार बीमारी आपके परिवार में किसी को है, जैसे थैलेसीमिया, तो हम उस बीमारी की जाँच भी पहले से कर सकते हैं। नहीं तो भ्रूण में देखा गया है 1/3 भ्रूण जेनेटिकली कमज़ोर रूप से बनते हैं। ऐसे भ्रूण बच्चेदानी में रखने से उनका खराब होने का चांस अधिक बढ़ता है। अगर इनकी हम पहले से PGT-A द्वारा जांच कर लेते हैं तो चांस बच्चा सफल होने का, प्रेगनेंसी सफल होने का बढ़ जाता है। इसके सिवा बहुत बार देखा गया है माँ के शरीर में बच्चे के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं या फिर माँ का शरीर बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसमें एक नई तकनीक है जिसको हम इम्यूनोथेरेपी, लिम्फोसाइट इम्यूनोथेरेपी या लिट थेरेपी भी बोलते हैं। ये जांच करने के बाद कि लिट थेरेपी करने का कोई फ़ायदा है या नहीं मरीज़ को, अगर लिट थेरेपी की जाए तो उसमें सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। इसके सिवा अगर परत आपकी अच्छी बन रही है या अगर परत बहुत कमज़ोर है तो उसके भी अगर ठीक से जानकारी दी जाए या इलाज किया जाए तो अपने को फायदा होने का चांस रहता है। बहुत सारे मरीजों में देखा गया है ये सब कुछ ठीक होने पे, परत ठीक है, बच्चा ठीक है, जेनेटिकली टेस्ट करने के बाद भी ठीक है, लेकिन माँ की परत जो है बच्चेदानी उसको ग्रहण नहीं कर पा रही है। ऐसे केसेस में क्लिनिकल या सिम्टम्स के आधार पर अगर TB की दवाई भी खिलाई जाती है, वो आपके मरीज के, हर मरीज में नहीं देने की जरूरत होती है, किसी किसी में देने से फायदा मिलता है। एक हमारे पास और टेस्ट होता है, एरा टेस्ट बोलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि भ्रूण जो है वो माँ के शरीर में किस समय प्रत्यारोपण करने के लिए माँ का शरीर तैयार है। बार बार जिन लोगों का IVF फेलियर होता है, अगर उन्हें ये टेस्ट किया जाए तो उनसे भी सफलता के चांसेस बढ़ते हैं। आखिर में मैं एक और कारण बताना चाहूँगी। बहुत बार देखा गया है जो बच्चेदानी की नलकियाँ रहती हैं उसमें कभी कभार पानी का रिसाव या ख़राब टॉक्सिन्स निकलने के कारण प्रेगनेंसी का अंदर ना चिपकना या लगने के बाद ख़राब होने की संभावना बढ़ती है। ऐसे केस में बच्चेदानी के बगल से जो दोनों नलकियाँ जा रही हैं उनका मुंह बंद करना या नलकियाँ हटा देना, जिसको हम ट्यूबल क्लिपिंग या सेल्फिंजेक्टोमी बोलते हैं, इसके बाद करने से भी प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बढ़ाए जा सकते हैं। हर मरीज का इलाज अलग अलग होता है, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। ये सारी चीज़ें की जानकारी उनसे ले, आप समझिए उनसे कि आपके केस में क्या करने की ज़रूरत है और निराश नहीं हो। हमारे पास ऐसे भी केसेस रहे हैं जिनमें 8, 9, 10 बार IVF फेलियर हुआ है और आखिर में उन्होंने नवजात या सफल प्रेगनेंसी हुई बच्चे को जन्म दिया। तो हमारी शुभकामनाएँ आपकी तरफ साथ हैं और कोशिश ज़रूर करिए, एक बार डॉक्टर से मिलिए और समझिए क्या नई तकनीकें हैं और कैसा हम अपने रिजल्ट को और सुधार सकते हैं।